हेलो बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्या है, ई की पावर रूट एक्स। यहाँ पर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नॉर्मली पता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन रूट एक्स देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लगता है थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, किस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चन देखो काफी अच्छा है, गलती के चांसेस क्या क्या है, ये गलती के चांसेस हो सकते हैं ई की पावर रूट एक्स का, कुछ स्टूडेंट ई की पावर रूट एक्स ही लिख दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। क्या करेंगे हम, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रूट एक्स से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा अच्छे से, अभी याद आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते थे, इसमें से उस चीज को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो रूट एक्स को टी मान ले, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो लेट कर लेते हैं। यहां पर हम रूट एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं एक मिनट के लिए। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी, सब्स्टिट्यूशन तो आता है ना। मैंने पूरे चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बोल सकते हैं टर्म 2 के लिए चैनल पर अपलोड कर दी गई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पूरे चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में 1/√ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी आ गई। अब बहुत अच्छे से देखेंगे, देखो 1/√ एक्स, ठीक है, 1 तो यहां पर लिख लेंगे, 1/√ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी, ठीक है, रूट एक्स को हमने क्या माना, टी माना, ये भी ठीक है, ई की पावर टी, क्योंकि रूट एक्स को हमने टी मान लिया, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एक्स वेरिएबल वाले फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आईलेट अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड टर्म होता है, आईलेट के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन है। 2 को सेम लिखो, आईलेट क्या होता है, आईलेट रूट फॉर्मूला याद है आपको, प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन का, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसकी भी वीडियो देख सकते हो, आईलेट को तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ हमने, है ना, ई की एक्स का इंटीग्रेशन, ई की टी का इंटीग्रेशन, ई की टी, वापस वही आ गया, प्लस में कांस्टेंट जरूर लिखेंगे। लास्ट लाइन में क्या करना आपको, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज नहीं भूलना, ई की पावर रूट एक्स, कोई परेशानी नहीं है, यहां से हम ई की पावर रूट एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, रूट में ई की पावर एक्स माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। होप सो क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, थैंक्स।